नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैंप में। तो मंथन क्लासेस कैंप में आज हम आपको लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है विटामिन। विटामिन जो टॉपिक है अक्सर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि विटामिन जो इसका रासायनिक नाम क्या है या इसकी कमी से क्या रोग होता है। तो विटामिन्स के बारे में हम जो अपना एक वीडियो है पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने जो विटामिन है लगभग सभी विटामिनों को उसमें लिया है, लेकिन यहाँ पर हमने इसकी दूसरी वॉल्यूम जो बनाई है उसमें हम बात करें तो विटामिन B3 है, इसे हम नियासिन या निकोटिनेमाइड के नाम से जानते हैं, या तो इसे निकोटिनेमाइड कहेंगे या फिर इसे नियासिन कहेंगे। फिर B5 को हम पेंटोथैलिक एसिड के नाम से जानते हैं, B6 को पाइरोडॉक्सिन, B7 को बायोटिन और B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो हमारा B11 है इसे सैलिसिलिक एसिड और B12 वो हमारा कोवैलेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम देखें B10 भी हमारा नहीं है, यानी 4, 8, 10, यानी ये 3 नहीं है और बाकी 1 से लेकर के 12 तक इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब हम देखेंगे इनके जो हमने रासायनिक नाम बताए कौन सा, थायमिन, राइबोफ्लोविन या नियासिन, निकोटिनेमाइड, पेंटोथैलिक एसिड, पाइरोक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और कोवैलेंट। तो हम इनको याद कैसे रखते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही इजी सी ट्रिक है, उसे देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे TRN ट्रेन, इसके बाद हम लिखें पुल, ट्रेन पुल पर बहुत, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट, फास्ट फास्ट से, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट से चली। तो हम इसको, इसका अभी रासायनिक नाम नहीं दिया है इसमें, तो आप 11 तक के नाम कैसे याद करेंगे, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट से चली। हम TRN को क्या कहेंगे, ट्रेन कहेंगे। तो T से क्या हो गया, थायमिन, R से राइबोफ्लेविन, N से नियासिन या निकोटिनेमाइड, यहाँ पे T से हमने यहाँ पे पुल ले लिया है और पर मतलब T ये वाला बहुत, यहाँ पे B लिया है फास्ट में से यानी फॉलिक में से, F ले लिया है, से S ले लिया है और चली यहाँ पे जो हमारा C, इसे C बनता है और यहाँ पे भी C है। तो ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट से चली, तो इजीली हम इनके रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। अब इनकी कमी से देखें, जो थायमिन है यानी B1 है इसकी कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। इसके बाद जो हमारा ये विटामिन B2 है इसे ड्राई स्किन यानी त्वचा सूख जाती है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। और अभी तक जो B5 है इसके बारे में पता नहीं है, ये रेयर है या इसकी कमी से कोई भी रोग नहीं होता है, कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हमारा अगला विटामिन इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, बायोटिन की कमी से हेयर फॉल, बाल झड़ने लगते हैं और बाकी शेष जितने भी विटामिन बचे हुए उनसे एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाती है। रक्त अल्पता जिस तरह से होता है उसी तरह से ब्लड की कमी होने से ही हमारे रोग होते हैं, यानी जो एनीमिया है, एनीमिया का मतलब होता है जो रक्त की कमी होना। तो इस तरह से हम जो विटामिन बी था उसकी पूरी फैमिली वो हमने बताया, किस तरह से रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हम याद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनमें से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जैसे हमारा SSC है, रेलवे है, बैंक है,
आज परीक्षाओं में और जो ट्वेल्थ है ट्वेल्थ क्लास में भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम समरी के रूप में देखें तो आपको स्क्रीन पर जो कल जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो और जो हमारी वॉल्यूम सेकंड है उन दोनों को कंबाइंड रूप से एक देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो उनके रासायनिक नाम और उनके जो विटामिन है उनको मैंने एक साथ पूरे स्क्रीन पर दिखाया है, तो उसे आप एक बार अपनी समरी के रूप में उसकी डेफिनेशन भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उस डेफिनेशन को और सारे विटामिन हैं उनके नेम और उनके रासायनिक नाम को आप याद कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, और इसको अच्छी तरह से याद करेंगे और हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। जय हिंद।